बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी थर्ड ईयर में है उनके लिए लेके आओ फिजिक्स का थर्ड पेपर। आप अपने बुक नोट्स गैस पेपर जो भी आप किन मार्केट से लेके आए हैं उसको ओपन कर लीजिए और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको तैयार करना है। यूपी के ऑल यूनिवर्सिटी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो आपको बस यही क्वेश्चन पढ़ना है। यदि आपके सिलेबस में जो जो क्वेश्चन मिल रहा है उसको टच कर दीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने बुक को ओपन कर लेना है और यूपी के आल यूनिवर्सिटी के लिए छात्र जो भी हैं तो कलर को मैं चेंज कर लेता हूं। यूपी आल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों के लिए एग्जाम 2022 में आने वाले प्रश्नों की बात करने वाला हूं। आप ये क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे। इन क्वेश्चनों की संख्या लगभग 17 से 18 होगी, ठीक है। और आपके जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि हम क्वेश्चन से भी कम दे रहे हैं क्योंकि वही दे रहे हैं जो आपके पेपर में छप रहा है, बाकी कुछ नहीं दे रहा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप टॉपर बनने वाले 2022 के, बस जो बता रहा हूं वही पढ़ के चले जाओ, गारंटी के साथ आप पास हो गए। और बताओ चल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए यार, हम उसका सलूशन करेंगे, हम बोल रहे हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है, अब देखो फिजिक्स का थर्ड पेपर है, यूपी के सभी यूनिवर्सिटी, मेरठ हो, आगरा हो, कानपुर हो, ठीक है, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी हो, भोपाल, कोई से भी यूनिवर्सिटी है, नहीं भाई जैसे कि बनारस यूनिवर्सिटी है, बीर बहादुर से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी है, बस यही पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। फिजिक्स का देखो, बीएससी थर्ड ईयर वालों के फिजिक्स का सेकंड पेपर है। इस क्वेश्चन को एक बार देखो, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, देखो जेनर डायोड का अनुप्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जेनर डायोड बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड जिसे बोलते हैं एलईडी, एलईडी को बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जन डायोड, क्या होता है इसका उपयोग, कहां किया जाता है एलईडी का उपयोग, कहां होता है कोई बताएगा मुझे, एलईडी का उपयोग कहां होता है बताओ, बताओ फटाफट कमेंट करके। अब देखो एक क्वेश्चन आता है आपसे पूछेगा कि जो देखो एक होता है अर्ध, एक होता है निज, निजमान नैत से बोलते हैं नैत अर्धचालक, नैत अर्धचालक को हम शुद्ध अर्धचालक भी बोलते हैं और बाह्य अर्धचालक को हम अशुद्ध अर्धचालक भी बोलते हैं, ठीक है। तो अर्धचालक के जो टाइप होते हैं आपसे पूछेगा कि अर्धचालक का वर्णन करो, तो अर्धचालक दो टाइप का, एक दो टाइप के होते हैं, एक होता है शुद्ध अर्धचालक, एक होता है अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को हम नैत अर्धचालक कहते हैं और अशुद्ध अर्धचालक को हम बाह्य अर्धचालक भी बोलते हैं। दोनों भाषा समझ में आ गई, चलो ये दोनों। अब देखो संधि डायोड क्या होता है, जिसे हम संधि डायोड को जंक्शन डायोड के नाम से भी जानते हैं, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जंक्शन डायोड का वर्णन करो, तो आपको करना होगा जंक्शन डायोड। उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि पीएनपी संधि, देखो पीएन संधि डायोड का निर्माण कैसे होता है, टर्मिनल डायोड मोस्ट इंपोर्टेंट है, फोटो डायोड, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना ये रट लेना, समझ रहे, रट लेना, यही क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में। देखो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये लगाइए, ये होता है, ये देखो इसको तो इतना जरूरत नहीं है लेकिन पीएनपी ट्रांजिस्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर का एक टाइप होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो यहां है ट्रांजिस्टर द्वारा प्रवर्धन, एम्पलीफायरिफिकेशन जिसे कह सकते हैं, एम्पलीफिकेशन कह सकते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर द्वारा प्रवर्धन किस तरीके से होता है वो आप याद करेंगे। एक होता है एच पैरामीटर, एक होता है बाई पैरामीटर, समझ रहे, एच पैरामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में बनता है, और साथ में बाई पैरामीटर को भी आप याद करेंगे। डायोड के श्वसन चाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ट्रांजिस्टर परिपथ का विन्यास, मतलब कोई ट्रांजिस्टर है उसका वैसे विन्यास कैसे बनाएंगे उस परिपथ का, वो आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जाइए और आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर का निवेशी प्रतिरोध और निर्गत प्रतिरोध, इन दोनों को पढ़ के जाएंगे। यह है ट्रांसफार्मर युक्त ट्रांसफार्मर प्रबंधक का परिपथ आरेख आपको बनाना है, ये क्वेश्चन आपको देख के जाना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं आप ये तो देख रहे हैं जेफ्ट, JFET, जेफ्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके प्रकार कितने होते हैं, कार्यविधि, माउसपेड जानते हो, माउसपेड लगा होता है, लगा होता है माउसपेड, माउसपेड फूक गया, चार्जिंग में लगा होता है कि माउसपेड भैया फूक गया, समझ रहे, माउसपेड इस तरीके से होता है, यहां तीन टांगे होती है उसकी माउसपेड की, ऊपर प्लेट होती है लगी भी, माउसपेड गलाता है वो फूक जाता है, उसके बारे में माउसपेड क्या होता है वो आप देखेंगे। अभिलक्षण बकरों के बारे में याद करके जाएंगे, टिक लगा लो फटाफट,
सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो मिल रहा है उसको ध्यान दीजिए अभी, और जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ देना है, उसके अलावा कुछ और देखना है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। उसके अलावा क्या पढ़ना है, जो आपका दिल करता है एक दो क्वेश्चनों को वो लगा लेना, बाकी छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है, यही सब कुछ पेपर में छपेगा। ये देखिए ये क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं, SCR जैसे सिलिकॉन नियंत्रण दृष्टिकारी बोलते हैं, ठीक है, इसको आप देखेंगे, रेक्टिफायर कंट्रोलर, देखो सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर क्या होते हैं, यहां याद करेंगे, धातु के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया के बारे में, धातु के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया के बारे में याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करके जाइए, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको देखिए, धातु अर्धचालक संधि क्या होती है, इसको देखिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद में ये जो शॉर्ट की डायोड देख रहे हैं ना, शॉर्ट की डायोड मोस्ट पे लगा लेना, मोस्ट पे छपेगा। उसके बाद में ट्रांजिस्टर सूचन लाभ, देखो ट्रांजिस्टर सूचक के लाभ क्या होते हैं, प्रबंधक एम्पलीफायर की प्रकृति कैसी होती है, एम्पलीफायर की प्रकृति, प्रवर्तक क्या, मतलब एम्पलीफायर होते क्या है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर होते क्या है और एम्पलीफायर की प्रकृति कैसी होती है या फिर विकृति कैसी होती है, इस तरीके से आपसे पूछेगा। यहां आपको देखा है और कुछ एम्पलीफायर के प्रकार होते हैं, जैसे कि होता है शक्ति पावर एम्पलीफायर, उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, पावर पावर एम्पलीफायर क्या होता है, यहां देखिए बॉन्ड चौड़ाई मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट पे लगा लेना, यह देखना है ना, आरसी युग्मन, इसको ट्रांजिस्टर युग्मन एम्पलीफायर, इसको आप पढ़ेंगे प्रबंधक के बारे में। और एक था पावर, यह है वोल्टेज प्रबंधक एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर जो टाइप होते हैं ना एम्पलीफायर के, वो आपको पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आईसी वोल्टता नियंत्रक किसे कहते हैं, ये आप पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। ट्रांजिस्टर चालक, देखो ट्रांजिस्टर के चालक और कह सकते हैं नेतांक के बारे में, ये पढ़ के जाएंगे। और लास्ट में बस ये पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। एम्पलीफायर में बता चुका हूं, ये बहुचरणीय, देखो बहुचरणीय एम्पलीफायर बोला गया है, या इसको सोपानीय प्रबंधक भी बोला जाता है, सोपानीय एम्पलीफायर भी बोला जाता है। और ये देखिए होने वाली विभिन्नताओं के बारे में देख छोड़ दीजिएगा। और ये आप देख रहे हैं ना फीडबैक का सिद्धांत, यदि गैस पेपर नोट्स बुक में ये दिया हो तो पढ़ लेना, ना दिया हो तो छोड़ देना, और आपको बस 85% यहीं से मिलेगा, कुछ बाहर नहीं जाने वाले क्वेश्चन है। और आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और खिलाड़ी भैया XYZ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी।